करती हैं। नईमा बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईमा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मैं ये साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि शी वॉज माई यूनिवर्सिटी मेट एज वेल, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि जिस तरह से आप काम कर रहे हो एंड जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स अमेजिंग। हाउ डज इट फील? थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड कमिंग फ्रॉम यू स्पेशली। इट फील्स ग्रेट, एक सेटिस्फेक्शन है जो कि कंटेंटमेंट के साथ हमेशा अंदर रहती है। I think this is the reason which always encourages me to do more and more for Pakistan, for my country and for myself too. So I think it's great. अच्छा, बहुत कम होता है कि थिएटर और कल्चर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सको ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब आपको अगर यूएनओ में भी इनवाइट किया गया है तो वो इसी आर्ट फॉर्म में। सो कैसे इतनी बड़े बड़े टॉपिक्स को आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? एक्चुअली थिएटर का एक इमेज इतना ज़्यादा ठीक नहीं है पाकिस्तान में, मगर दूसरे मुल्कों में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। बिकॉज चेंज, आर्ट इज़ द मीडियम ऑफ चेंज बेसिकली, एंड द थिएटर, व्हाट आई डू इज़ थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, इंटरेक्टिव थिएटर, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप ऑडियंस को इंट्रैक्ट करवाते हैं, उनको कहते हैं आएँ आप स्टेज पे, आएँ और आएँ आप इस इशू का कोई सोल्यूशन निकालें थ्रू एक्टिंग। देन देर इज़ ऑल्सो ड्रामा थेरेपी, यू नो, यूज़ एक्टिंग, आप उससे हेल्प आउट करते हैं लोगों को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। पाकिस्तान में मसला ये है कि आपको फोरम्स ही मिलते हैं, यू नो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, तो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर मिलते भी हैं तो शायद लोगों को उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, लोगों को एजुकेशन नहीं है कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर ड्रामा और एक्टिंग और थिएटर शायद किसी और चीज का नाम है। सो आपने अपने थिएटर के थ्रू कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको रेज किया है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी जेंडर जस्टिस, ख्वाब ख्वाजा सरा हो, औरतें हों, मर्द हजरात हों, कोई भी हो, जेंडर जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट माई इनिशियल टॉपिक, इंटरफेथ हारमोनी, पीस, जस्टिस, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड एंटी करप्शन, जो मैंने अकाउंटेबिलिटी लैब के साथ काम किया है उनकी सपोर्ट से, एंड इट्स बिन रियली क्रेजी, यू नो, बिकॉज वी वर द फर्स्ट वन एवर टू यूज थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, एंटी करप्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और इतने ड्राई टॉपिक्स के ऊपर लोगों को कभी ये नहीं लगता कि ये, मतलब यू नो, किस तरह से करना चाहिए कि थोड़ा लाइटर नोट भी रहे, बिकॉज बहरहाल तो लोग एंटरटेन भी होने आते हैं, तो थिएटर इज एंटरटेनमेंट का भी एक मीडियम समझा जाता है, तो उसको लाइटर नोट पर रखना कितना ज़रूरी होता है? आई थिंक इसीलिए ये थिएटर को यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर आप एक्टिंग यूज़ कर रहे हैं। बहुत से लोगों को एक्टिंग करने का शौक भी होता है, ठीक है, आप एक्टिंग को सोशल कॉज के लिए यूज़ कर लें, सोशल इश्यूज़ के लिए यूज़ कर लें, इंटरटेनमेंट भी है, आप एक्शन भी ले रहे हैं, एक्टिविज्म भी है, सब कुछ एक, यू नो, पैकेज में फुल पैकेज जो है वो आपको मिल रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो आपका अमेरिका का ट्रिप रहा, उसमें आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के हैरेसमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, उसके ऊपर आपने बहुत काम किया, उसका एक छोटा सा टीजर है जो आपने बनाया है। सो मैं चाह रही हूँ कि लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट और आपको भी वो दिखाया जाए। मज़ीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये होता है आगा, दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद बाखुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है, हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानी? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसर? वो टीजर था और इसका फुल पैकेज जो है वो फेसबुक पर अवेलेबल भी है, जो आपने पूरा वो शूट किया और डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी बताए। इसका वहाँ पर तो एक बेनिफिट हो सकता है कि आप पाकिस्तान से आई हैं और आप इस चीज़ को रेस कर रही हैं, यहाँ पर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला और यहाँ पर क्या पर्पज था आप जो चाह रही थी कि वो वहाँ हो लेकिन इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़े? हर कोई आजकल बात कर रहा है कि हरासमेंट सिर्फ पाकिस्तान में होती है, ठीक है, पाकिस्तान ने तो पता नहीं क्या कर दिया औरतों के साथ। आई थिंक ये ठीक नहीं है, ये एक बहुत गलत बात है। जो पर्पज़ था वो यही था कि ये जितने भी इसमें हैं, इनकी सबकी ट्रू स्टोरीज हैं, देर अमेरिकन, देर ब्रिटिश, देर अफ्रीकन, और वो बता रही हैं कि हमारे साथ हरासमेंट कहाँ कहाँ हुई है, US में बैठ के भी हुई है, ठीक है, UK में बैठ के भी हुई है, यू नो। तो ये एक मैसेज है, एक सॉफ्ट मैसेज सबको बताने के लिए कि ऐसा नहीं है,
क्या आप ये ही कहते जाएंगे जी पाकिस्तान डेंजरस कंट्री? आपको याद होगा सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली थी #MeToo, बहुत से लोगों ने फॉलो किया और अपनी स्टोरीज शेयर की एंड इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट वाजंट जस्ट एशिया और पाकिस्तान, वो पूरी दुनिया से लोग जो है वो आवाज बुलंद कर रहे थे. अच्छा, अभी जो जर्मनी में आप गई हैं उसका क्या पर्पस था और वहां पर क्यों इनवाइट किया गया? सो ये 9th फेडरल कांग्रेस थी जो कि गवर्नमेंट ने अरेंज की थी विद गोएथे इंस्टीट्यूट एंड IFA. सो गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ मैंने 3 साल पहले पाकिस्तान की तरफ से एक वर्कशॉप की थी. उसमें आई प्रेजेंटेड माय वर्क, दे रियली लाइक्ड इट. उन्होंने मुझे रिकमेंड किया और फिर गवर्नमेंट ने मिलकर मुझे इनवाइट किया कि आप आएँ अपने थिएटर को प्रेजेंट करें ओवर देयर, के हाउ यू कैन यूज थिएटर एंड आर्ट्स फॉर इन द फॉरेन पॉलिसी, क्या रूल हो सकता है, हम क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं कल्चर और आर्ट्स के रिलेटेड. आई वेंट देयर, आई रिप्रेजेंटेड माय वर्क. It was a great experience क्योंकि लोगों के बड़े questions थे कि being a woman पाकिस्तान में आपको threat नहीं है कि आप theater भी कर रही हैं, आप औरत भी हैं और you know वहाँ पे तो Muslims भी हैं. And I was like, I'm Muslim too, you know, मैं भी मुसलमान हूँ and I'm safe. It's not like that. और मेरे ख्याल से ये बड़ा matter करता है कि जब इस तरह की आप soft image छोटे छोटे gestures के through, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे पता नहीं क्या है, वो जो एक negative overall image पाकिस्तान का जा रहा है, आप जैसे लोग ही हैं जो उसको positive बना रहे होते हैं. और हम आपके कुछ visuals जो हैं, जो pictures हैं वो भी share कर रहे हैं आपकी training के दौरान, practice के दौरान, या जो आप पूरा वो एक ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं इवेंट, वो बड़ा मैटर करता है. तो इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व करना और उनको सारा साथ लेकर चलना, और पिलाज ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं आप, सो इतनी सी उम्र में इतने सारे काम कैसे कर रहे हो आप? आई थिंक बचपन से ही एक शौक था. मुझे याद है फुटबॉल से स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ, जो पाकिस्तान में पहले ही नेशनल चैम्पियनशिप थी एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग यू नो डिफरेंट. सो आई वेंट टू द फॉर द ट्रायल्स, आई गॉट सेलेक्टेड पंजाब की तरफ से, मैं खेली एंड आई वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट. तो फुटबॉल से स्टार्ट हुई लाइफ, 8 साल खेला, पाकिस्तान को पंजाब को रिप्रजेंट किया. And then coming to next phase was do something for women, because being a woman maine ek sports ki life mein aur professional life mein kafi cheeze dekh li hui thi bachpan mein. तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, ना किसी एक को, ना किसी एक को. तो घर वालों की तरफ से कैसी सपोर्ट थी इतनी सीरियस जब चीज़ें एक बच्ची से आ रही होती हैं, कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो कह रही है मैंने वुमेन राइट्स के लिए काम करना है, सो उन्होंने सीरियस लिया आपको या सपोर्ट किया, या शुरू में लगता था अच्छा लगी है लगी रहने दो एंड दे डिडंट नो कि इट्स एक्चुअली गोना हैपन? वैसे उनको यकीन नहीं आता था जब तक कि मेरा मैच जो है वो टीवी पे नहीं आया, PTV में चलाया. अच्छा. था पूरा मैच, उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि जी मैं पंजाब की तरफ से खेल रही हूँ, मैं नेशनल लेवल पे चली गई हूँ. फिर उन्हें यकीन आया जब उन्होंने टीवी पे देखा, फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता और यकीन आया जब मुझे बाहर की गवर्नमेंट्स और US और यू नो डिफरेंट पीपल स्टार्टेड इनवाइटिंग मी, फिर यकीन आया. वरना क्योंकि माय फैमिली वही पाकिस्तानी डॉक्टर इंजीनियर्स, सो दे वर लाइक यू नो मीडिया इज थिएटर इज समथिंग यू नो. But now they respect my work, encourage करते हैं मुझे. And I think ये बहुत matter करता है कि support. अच्छा, जब आप बाहर जाते हो वहाँ पर challenges का सामना करना पड़ता है, because एक तरफ तो आप अपना काम लेकर जा रहे हो, but somehow or the other you're ambassador of Pakistan as well. So वहाँ पर challenges और difficulties कुछ ऐसे experiences होते हैं? बिल्कुल होते हैं. मैं स्कॉलरशिप पे गई थी UGRAD प्रोग्राम में और वहाँ पे मैंने एक्टिंग पढ़ी, सो वन ऑफ माय मेजर इज एक्टिंग. तो चैलेंजेस काफ़ी होते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप ब्रेव हैं एंड यू हैव टैलेंट, दीज टू थिंग्स, पीपल लव यू एवरीवेयर. You know, if you are brave, you are confident, you have something to show the people, they would love you. So इसलिए बहुत encouragement मिली. Like I go there, I have host families, different रिलीजन से, जो मुझे क्योंकि आई वर्क फॉर इंटरफेथ टू, मुझे होस्ट करती हैं, मुझे अपना कल्चर दिखाती हैं कि ये हम कर रहे हैं, अपना कल्चर शेयर करो, यू नो वो कनेक्शन जो है वो बिल्टअप करना बड़ा आसान होता है, और बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता, तो वो कनेक्शन बिल्ट आप बड़े आराम से कर लेती होंगी. वेल थैंक यू सो मच नाइमा फॉर कमिंग एंड गुड लक फॉर दिस वर्क. आई रियली होप कि आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखें, बल्कि इसमें मजीद एक्सप्लोर करें एंड प्रोग्रेस करें, ताकि जैसे जैसे आप तरक्की करेंगी आपके नाम के साथ हमेशा पाकिस्तान का नाम आएगा एंड यू विल कीप ऑन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन अ गुड वे. थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू.